दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉयल इनफील्ड एक्सपर्ट टीचर में। आप देखेंगे, देखिए हमारी 500 सीसी गाड़ी है और क्लासिक है, क्लासिक 500 सीसी और इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर वाली है। सेल्फ का प्रॉब्लम और हमारा मास्टर सिलेंडर किट का प्रॉब्लम ये आप देख सकते हैं। और अभी ये हमने स्विच ऑन किया और बाद में इधर सेल्फ को सेल्फ लगाते हैं तो हमारा सेल्फ नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्टार्टर रिले को थोड़ा ऐसा ऐसा चोट करते हैं तो हमारा सेल्फ वापस काम करता है। ये स्विच है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे काम करता है। तो अभी मैंने स्विच भी खोल रखी है, आप देख सकते हैं ये हमने स्विच खोल रखी है यहाँ पे चेक करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम मिल नहीं रहा था। ये हमारा वायर है, ये हमारा वायर है रेड और ब्लू, ये हमारा मेन वायर है और उसके नीचे ये हमारा ब्लू और वाइट जो है अर्थिंग का वायर है सेल्फ का। आपको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये देख पहले आपको दिखा दूँ, ये हमारा टेस्टर है जिसे हमने खुद ही बनाया है मुझे चेक करने के लिए, इससे वायरिंग का प्रॉब्लम जल्दी मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा हेडलाइट का बल्ब है और हेडलाइट का जो पार्किंग बल्ब आता है वो बल्ब है और इसमें हमने दो वायर लगा रखे हैं और एक ये स्प्रिंग लगा रखी है ब्रेक स्विच की स्प्रिंग, इसको हमारे अंदर सॉकेट में डाल के चेक करने को बराबर मिलता है। तो आपको दिखा देते हैं एक बार, ये हमारी स्विच ऑन है और हमारा जो वायर है रेड और ब्लू, ये हमारा सेल्फ का मेन वायर है। अभी देखिए मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ इसको और जैसे अर्थिंग दूंगा हमारा बल्ब जलेगा। ये देखिए ये हमारा मेन है, तो हमने यहाँ से इसको ऐसे चेक किया, अभी उधर लगा के हमने इसको चेक करना है कि इसका अर्थिंग बराबर है या नहीं। तो देख सकते हैं क्या अर्थिंग बराबर है, इस तरीके से देख सकते हैं इसका अर्थिंग भी बराबर है। तो आइए जल्दी से इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा गाड़ी। इसको खोलने के लिए हमारा ये रिले खोलने के लिए एक बार हमारे इसमें प्लस में आती है इसकी मैन वायर, फटाफट खोल लेते हैं इस तरीके से। दूसरा हमारा ये सॉकेट रहता है, सॉकेट निकाल लेते हैं, अर्थिंग सॉकेट है ये, और एक ये हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट निकाल लेते हैं। ये हमारा हॉर्न का है, डबल हॉर्न का रिले का किसने लगाया है। इधर जाता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेल्फ में लगा होता है, ये वाला ये सेल्फ में लगा होता है, इसको निकाल लेना है खोल के हमको जल्दी से। प्रॉपर देख सकते हैं ये वाला, ये हमने इस तरह निकाल लेना है, बाद में इसके कुदरी लगा देते हैं बाद में ताकि घूमने हो। देखते हैं इसको निकाल के, तो थोड़ा सा फंसा हुआ होता है, इजी निकल जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, ये हमने पुराना निकाल लिया। अभी ये हमारा नया स्टार्टर रिले है, देख सकते हैं आप, 457 रुपये का है, ओरिजिनल है। यहाँ पे लिंक दिया होता है, यहाँ पे आप ओरिजिनल भी चेक कर सकते हैं, ऐसे इस नंबर पे SMS करेंगे तो आपको चेक करने के बाद में ओरिजिनल है कि नहीं उसका मैसेज मिल जाएगा।
गई है वैसे ही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये फिट कहाँ होता है वो भी मैं अभी बताता हूँ। पहले इसको फटाफट लगा देते हैं, देखिए यहाँ से आता है इस तरीके से। हमारे यहाँ पे लगता दस नंबर का नट होता है हमारे, दस नंबर के पानी से ये आराम से खुल जाता है और टाइट भी हो जाता है। ये हमारा टाइट हो गया और अभी हमें ये हमारी प्लस की वायर बैटरी में देनी है। इसको जल्दी से बैटरी में दे देता हूँ प्लस की वायर। यहाँ से निकल के जाते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन अच्छे से लग जाता है। लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वायर लगाने में बैटरी थोड़ा उल्टी होती है ना, इसलिए
थोड़ा लगाने को प्रॉब्लम होता है। अभी हमने इसको बराबर लगा लिया है और अभी हमें इसका ये कनेक्शन देना है, तो हमने निकाल लेते हैं पहले से ये पिन कनेक्शन हमें देना है इस तरीके से। और अभी हमारे ये हमारा सेल्फ का कनेक्शन इसमें देना है, और ये हमारा सेल्फ का एक कनेक्शन इसमें देना है, और ये हमारा कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और अभी हमारा ये बचा मास्टर सिलेंडर किट, तो हमें मास्टर सिलेंडर किट कैसे डालनी है वो आपको मैं दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, हमारे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, हम हमेशा टेक्निकल वीडियो बनाते हैं बाइक के ऊपर, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते रहिए।